आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमचेरिया पे। कॉमचेरिया प्रोवाइड कराता है इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन का आई पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन जीस्ट क्रक्स ऑफ एनसीईआरटी जो कि पूरा जूस फॉर्मेट में परफेक्ट तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूँ। पूरा ट्राई करते हैं कि पूरा बेस्ट परफॉर्मेंस हो। चैप्टर 17 केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और लेखपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना। लोकपाल एवं लोकायुक्त में हम भारत में स्थिति कहां पे लोकपाल एवं लोकायुक्त की भारत में स्थिति हमने स्वीडिश और उस्मैन प्रणाली पढ़ा था। अब भारत में स्थिति का हमने 16 पॉइंट पढ़ लिया था और 17 पॉइंट था हमारे पास प्रभागीय सतर्कता। ये सारी संस्थाएं जो हमारे पास है जो कि भ्रष्टाचार को कंट्रोल करती है भारत में और नागरिक शिकायतों को सुनवाई के लिए बनी है उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन कुल मिला के 26 संस्थाएं हैं, इसमें से हमने 16 संस्थाओं के बारे में पढ़ लिया था। 17वीं संस्था है प्रभागी सतर्कता बोर्ड, उसके बाद जिला सतर्कता अधिकारी होते हैं, अब ऐसे अम्बड्समैन प्रणाली जो चलती है स्वीडन की अम्बड्समैन संस्था को, उसी तरह भारत में स्थिति लोकपाल एवं लोकायुक्त की, तो उनकी जो स्थिति है किस तरीके से हमारे पास संस्थाएं हैं, क्या हमारे पास प्लेटफॉर्म है कर्मचारियों के साथ जो भी शिकायतों का निपटारा है या आम नागरिकों की शिकायतों का निपटारा है, कर्मचारियों के या किसी भी अधिकारी के भ्रष्टाचार के खिलाफ कहां शिकायत करेंगे। तो ये कुछ बोर्ड बने हैं, कुछ पैनल्स बने हैं जो सरकार द्वारा हम उनको बता रहे हैं आपको। 19th है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता विभाग, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, विवाद आयोग। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर हमारा चल रहा है, इसके अंतर्गत हम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को बहुत ही सफलतापूर्वक हमने खत्म किया। उसके बाद हम पढ़ रहे थे केंद्रीय लोकपाल एवं लोकायुक्त और 20th जो हमारा है संस्था है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NSCC, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। और क्या है फिर 21th जो हमारे पास संस्था है, जैसे कि अम्बुड्समैन संस्था है स्वीडिश की, उस तरह भारत में क्या संस्थाएं हैं किसके लिए, भ्रष्टाचार निवारण एवं नागरिक शिकायतों के निपटारे के लिए। ध्यान दीजिएगा क्या आपको पढ़ाया जा रहा है, जो मैं समझा रहा हूं उसको समझिए, पढ़ना तो दूर की बात है, समझ लें हमारी बातों को आप, यही सार्थकता है हमारे लेक्चर की और समझाना ही टारगेट है। पढ़ने पढ़ाने की बातें होती रहती, जो चीज समझ में आ जाए बेस्ट है। देखिए प्रभागी सतर्कता बोर्ड, जिला सतर्कता अधिकारी, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NSCC एंड राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NSTC, नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। उसके बाद जो बनाई है संस्थाएं किसके लिए, देखिए यहां पर क्या है, भ्रष्टाचार निरोधक एवं नागरिक शिकायत निवारण संस्थाएं उन पर चर्चा हो रही है। 22 है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स इन स्टेट्स, एक तो सुप्रीम कोर्ट हो गया और राज्यों में उनके रिलेटेड कंसर्न उच्च न्यायालय और ये उच्चतम न्यायालय, ये भी होती हैं भ्रष्टाचार निवारण के लिए, नागरिक शिकायतों को निपटारे के लिए। ये सारी संस्थाओं को, सारे
ढांचे को जिसको हम कह सकते हैं, हम यहां पर समझ रहे हैं प्रशासनिक न्यायाधिकरण। ध्यान दीजिएगा, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और इसी में हमारे पास है उर्दू न्यायिक आयोग। देखिए यहां पर एक चीज और, संस्था उर्दू न्यायिक निकाय, ताकि हम हर चीजों के बारे में यह जानकारी चाहेंगे। तो एक उर्दू न्यायिक निकाय भी है, तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण और उसके साथ उर्दू न्यायिक निकाय भी है, ये शिकायत निपटाने के लिए। और 24th जो हमारे पास है ढांचा, या आप इसको इंस्टीट्यूशन कह लीजिए, संस्था कैबिनेट सचिवालय। ध्यान दीजिएगा, कैबिनेट सचिवालय में क्या है, लोक परिवार, लोगों का जो वाद परिवाद होता है, निदेशालय है उसका पूरा क्या है, हेडक्वार्टर है। और किस सन में इसकी स्थापना हुई, 1988। वही जो सीबीआई के एस्टेब्लिशमेंट में जो संस्थाएं कार्य आ रही है लगभग लगभग उससे मिलता जुलता है। कैबिनेट सचिवालय में लोक परिवार निदेशालय 1988। और हमारे पास जो ढांचा है, क्योंकि आपको भ्रष्टाचार निरोधी, भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत को समझेगा, और क्या करेगा वो, शिकायतों का निपटारा नागरिक। 25th है संसद एवं इसकी समितियां, समितियों के बारे में जानते हैं। लोक लेखा समिति, इस तरीके से समितियां हमने आपको बताई है, तो वही समितियों की बात। और 26th जो है हमारे पास, जो संस्थाएं हैं, जो ढांचा है, वह जैसे केरल जैसे राज्यों, देखिए स्पेशल राज्यों, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि केरल जैसे राज्यों, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, में अब क्या होता है वहां फाइल, ध्यान से सुनिए क्या मैं कह रहा हूं, केरल जैसे राज्यों में फाइल टू फिल प्रणाली, समझिए क्या फाइल टू फिल, केरल जैसे राज्यों में क्या है, केरल जैसे राज्यों में जो इंस्टीट्यूशन होगा, जो हमारे पास ढांचा होगा, वो क्या होगा, जैसे केरल जैसे राज्यों में फाइल टू फिल, फाइल टू फिल खेतों तक संचिकाएं। क्या मतलब है इसका, इसका गलत अर्थ ना निकालें, खेतों तक संचिकाएं। अंग्रेजी बड़ी कठिन है, बड़ी कंफ्यूजनल है, क्या मतलब है और क्या उसका प्रादुर्भाव है, ये इसके उपयोग पर, प्रयोग पर, जैसे कि हिंदी में प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं, चंद्रबिंदु लगे। देखिए जैसे कि केरल जैसे राज्यों में फाइल टू फिल यानी खेतों तक संचिकाएं, खेत में भी आप काम कर रहे हैं वहां तक भी आपकी संचिका पहुंचेगी, सारा ब्यौरा होगा अधिकारों के लिए, किसानों के। तो ये एक प्रणाली है वहां पर स्पेशली कार्यक्रम, फाइल टू फिल कार्यक्रम, मतलब कार्यस्थल पर ही पूरा। और इस इनोवेशन में, नवाचार का मतलब इनोवेशन होता है, इस नवाचारी योजना में प्रशासक स्वयं, डीएम हुआ, कलेक्टर हुआ, स्वयं वो गांवों या क्षेत्रों का दौरा करता है। प्रशासक क्या करता है, नगरायुक्त हुए, मेयर हुए, ये लोग क्या करते हैं, जाके स्वयं गांवों और क्षेत्रों का दौरा करता है और लोगों की शिकायतों, यही तो बात था, नागरिकों की शिकायत की बात थी यहां पे, लोगों की शिकायतों, जो भी वहां के लोगों की शिकायत है,
शिकायतें सुनता है, लोगों की शिकायतों को सुनता है। कौन? प्रशासक खुद जाके गांव और क्षेत्रों का दौरा करता है और लोगों की शिकायतें, रूरल है, शिकायतें काफी उनकी समस्याएं होंगी, उनको सुनता है और उसके बाद क्या करता है, और क्या करता है प्रशासक, और जहां कहीं संभव हो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जहां कहीं संभव हो तत्काल कार्रवाई करता है, तुरंत प्रशासक खुद कार्रवाई करता है। देखिए हम लोकपाल एवं लोकायुक्त के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कि हमने इसके पहले स्वीडन की अम्बुड्समैन संस्था के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया। अब हम समझ रहे हैं भारत में इसकी स्थिति के बारे में, अम्बुड्समैन की, लोकपाल की स्थिति भारत में। जो हमारे पास स्थिति है ये भ्रष्टाचार निवारण और जन शिकायतों के लिए, तो प्रभागीय सतर्कता बोर्ड और जिला सतर्कता अधिकारी, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन, नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन स्टेट्स, और प्रशासनिक न्यायाधिकरण, उर्दू न्यायिक निकाय, कैबिनेट सचिवालय में लोक परिवाद निदेशालय 1988, और संसद और इसकी समितियां, और केरल जैसे राज्यों में फाइल टू फेल यानी खेतों तक संचिकाएं कार्यक्रम। और इस इनोवेटिव स्कीम में प्रशासक स्वयं गांवों या क्षेत्रों का दौरा करता है और लोगों की शिकायतें सुनता है और जहां कहीं भी संभव होता है तत्काल कार्रवाई भी करता है। तो ये भारत में स्थिति है अम्बुड्समैन की। अब हम पढ़ेंगे इसको पूरा विस्तार, ध्यान दीजिएगा। अब हमारा जो टॉपिक आएगा प्रॉपर लोकपाल, जो कि हमारा मूल हेडिंग था। मूल हेडिंग क्या थी हमारी? लोकपाल। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, जो हमने भी बताया उसको आप समझ लिए होंगे। अब हम पढ़ते हैं लोकपाल। ये लोकपाल याद दिया है, इसे मैं एरो कर देता हूं। यही है लोकपाल। देखिए यहाँ पे लोकपाल और लोकायुक्त की चर्चा थी, तो लोकपाल के बारे में है कि भारतीय प्रशासनिक, ध्यान दीजिए, भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग, इसके बारे में आप जानते होंगे, भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 to 1970 की सिफारिश, रिकमेंडेशन की गई भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 to 1970 की सिफारिश पर नागरिकों की समस्याओं के समाधान हेतु, नागरिकों की समस्याओं के समाधान हेतु दो विशेष प्राधिकारी मतलब ऑफिसर होता है जो कि इंचार्ज ऑफिसर, दो विशेष प्राधिकारियों, लोकपाल, ध्यान दीजिए, और वह का मतलब और ऐड करते तो वह लिखते हैं लोकपाल और लोकायुक्त। लोकपाल केंद्र सरकार में, लोकायुक्त अपने राज्यों में। प्राधिकारियों लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति की गई, इनकी नियुक्ति की गई। देखिए हम लोग यही पढ़ रहे हैं। एक किसके तहत नियुक्ति हुई? भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की रिकमेंडेशन पर नागरिकों की समस्याओं के समाधान हेतु दो विशेष प्राधिकारियों लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति की गई। इनकी स्थापना लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना स्कैंडिनेवियन, इसका मतलब कि स्कैंडिनेविया जो कंट्री है वहां के स्कैंडिनेवियन देशों के क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ
देखिए स्कैंडिनेवियन देशों के इंस्टीट्यूट ऑफ अम्बसमैन, इंस्टीट्यूट ऑफ अम्बसमैन, देखिए यहां पर समझिए फिर से, इनकी स्थापना स्कैंडिनेवियन देशों के इंस्टीट्यूट ऑफ अम्बसमैन एंड न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट्री, न्यूजीलैंड्स पार्लियामेंट्री कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की सिफारिश पर नागरिकों की समस्याओं के समाधान हेतु दो विशेष प्राधिकारियों लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति की गई। इनकी स्थापना स्कैंडिनेवियन देशों के इंस्टीट्यूट ऑफ अम्बसमैन एंड न्यूजीलैंड्स पार्लियामेंट्री कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तर्ज पर की गई, की तर्ज पर की गई, इनकी तर्ज पर की गई। लोकपाल मंत्रियों, लोकपाल मंत्रियों केंद्र तथा राज्य स्तर, मंत्रियों की भी जांच करते हैं ये, लोकपाल मंत्रियों केंद्र तथा राज्य स्तर के सचिवों, ध्यान दीजिएगा बात, और केंद्र और राज्य स्तर के सचिवों से संबंधित शिकायतों से संबंधित शिकायतों को देखता है, मतलब हाई क्लास ऑफिसर्स वीवीआईपीस, लोकपाल मंत्रियों और केंद्र तथा राज्य स्तर के सचिवों से संबंधित शिकायतों को देखता है लोकपाल, और लोकायुक्त क्या करता है राज्य में, लोकायुक्त एक केंद्र में होता है अंडर ब्रैकेट, एक केंद्र में और एक प्रत्येक राज्य में, ध्यान दीजिए एक केंद्र में होता है लोकायुक्त और एक प्रत्येक राज्य में, विशेष क्या करता है लोकायुक्त, विशेष उच्च अधिकारियों के विरुद्ध, विशेष उच्च अधिकारियों के विरुद्ध जो शिकायतें होंगी, विशेष उच्च अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत हो देता है, भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग 1966। आप लोग अपनी रिवीजन कॉपी निकालिए, मैं आप लोग को थोड़ा रिवीजन दे देता हूं, उसके बाद हम लेक्चर को ऑफ करेंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है लोकपाल एवं लोकायुक्त का ओम्बड्समैन, तो देखिए इसमें क्या है, तो भारत में स्थिति हमने आपको बताई, उसके बाद क्या स्थिति थी लोकपाल एवं लोकायुक्त की, क्या करते हैं ये लोकपाल और लोकायुक्त क्या करते हैं, ध्यान दीजिए कब कब इनके पद होते हैं, नाम होते हैं ऐसा कि लोकपाल और लोकायुक्त, तो होता क्या है भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 टू 1970 की सिफारिश पर नागरिकों की समस्याओं के समाधान हेतु दो विशेष प्राधिकारियों लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति की गई। इनकी स्थापना स्कैंडिनेवियन देशों के इंस्टीट्यूट ऑफ अम्बड्समैन एंड न्यूजीलैंड्स पार्लियामेंट्री कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तर्ज पर की गई।
लोकपाल मंत्रियों की और केंद्र और राज्य स्तर के सचिवों से संबंधित शिकायतों को देखता है। वहीं पर लोकायुक्त, जो कि एक केंद्र में लोकायुक्त होता है और एक प्रत्येक राज्य में लोकायुक्त होता है, वो विशेष उच्च अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों को देखता है। किसके? विशेष उच्च अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों को कौन देखता है? लोकायुक्त। तो एक होता है केंद्र में और प्रत्येक राज्यों में भी एक एक लोकायुक्त होते हैं। वैकेंसी अपडेशन देख लेते हैं। हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एक्सक्यूटिव ब्रांच एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म नोटिफाइड एडवर्टाइजमेंट एंड application window will be open from 1st of December 2023 to 21st of December 2023। 1 दिसंबर से 21 दिसंबर तक हरियाणा सिविल सर्विसेज एक्सक्यूटिव ब्रांच एप्लीकेशन फॉर्म आपके लिए ओपन होंगे। तो चलो, हमारे पास 121 नंबर्स ऑफ वैकेंसीज हैं, इसमें कि आपको पुलिस सर्विसेज, बेल्ट सर्विसेज के लिए आपकी जो एज होगी, आई होप 22 इयर्स है, एंड सिविल सर्विसेज के लिए जो एज है ये 42 इयर्स है। ये जनरल कैटेगरी की है, या आप अदर स्टेट की किसी भी कैटेगरी से आते हैं उसके लिए पूरा है, कि अदर स्टेट का कोई भी कैटेगरी यहाँ पर मान्य नहीं होगा क्योंकि आप हरियाणा में आ रहे हैं अदर स्टेट से। और इसके साथ ही साथ 11 फरवरी को इसका एग्जामिनेशन है, 11 फरवरी को एग्जामिनेशन है एचसीएस एक्सबीआर एक्सक्यूटिव ब्रांच पीटी एग्जाम 11 फरवरी, और 11 फरवरी को ही दूसरा एग्जाम है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एग्जाम, ये भी है 11th of Feb 2023। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है यूपीएससी का, लेकिन मुझे मिल गई है न्यूज़, कंफर्म है ये आ जाएगा अब आपके एग्जामिनेशन कैलेंडर में बहुत ही जल्द upsc.nic.in की वेबसाइट पे। लेकिन हरियाणा पीसीएस ने अपनी डेट दे दी है 11 फरवरी 2023, हरियाणा पीसीएस इंस्टीट्यूट पे होगा 11 फरवरी 2023 को एक्सपेक्टेड है। यूपी आर ओ आर ओ एग्जाम वो भी उसी डेट पे होगा, तो अपना देख लीजिएगा कैसे भरना है। यूपी पीसीएस के फॉर्म नहीं आए हैं, लेकिन यूपी पीसीएस के एग्जामिनेशन डेट में आपको एक्सपेक्टेड बता दे रहा हूँ 24th of March 2024 का यूपी पीसीएस प्री एग्जाम होगा, जो कि लगभग 99% एक्सपेक्टेड है। और अभी एग्जामिनेशन कैलेंडर यूपी पीएससी का आ जाएगा तो आप देख लीजिएगा। तो ये सब न्यूज़ कुछ मुझे मिली थी जो कि मैं शेयर कर रहा हूँ। अब काफ़ी भारी मात्रा में वैकेंसीज आई हुई हैं, आप उनको देख लीजिए। देखिए, डाक विभाग में इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट में आई है, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में आई है आपकी असिस्टेंट की, पोस्टल असिस्टेंट होते हैं इसमें, पोस्टल असिस्टेंट और एंड मैस्कुलेनियस वैकेंसी उछाई ऑफिसर्स की भी, उनको भी आप देख लीजिएगा इंडियन पोस्ट में। कुल मिला के शायद लगभग 1300 टोटल वैकेंसी है, तो उसको आप देखिएगा। इंडियन पोस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट की डाक विभाग की जॉब है। और भी कई विभागों में वैकेंसीज आई हैं, कुछ डेपुटेशन वैकेंसीज आई हैं, कहीं कहीं रजिस्ट्रार के फॉर्म आए हैं, किसी किसी आईटी वगैरह में रजिस्ट्रार के भी फॉर्म आए हैं, कुछ संस्थानों में भी फॉर्म आए हैं, बार्क में भी फॉर्म आए हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क मुंबई में भी कुछ वैकेंसीज आई हैं, उसको आप देख लीजिएगा। और इस तरीके से आज का सेशन हम देख रहे हैं। तो आप अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो, अपने को भारी मात्रा में लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कॉम चेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल, कठिन मेहनत कीजिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करिए। और सरकारी नौकरियाँ बहुत कम रह गई है, काफ़ी घना कंपटीशन है, बहुत कठिन कंपटीशन है, लेकिन अपनी सामर्थ्य के बल पे, अपने संयम के बल पे कई विद्यार्थियों ने इस बार आरएएस 2021 का फाइनल रिजल्ट हो गया, विद्यार्थियों ने अपनी एक
संकल्प को प्राप्त किया। बिना कोचिंग के ही दो प्रयासों में बिहार बक्सर की गरिमा लोहिया जो पाई गई यूपीएससी में रैंक टॉप रैंक, वो भी बिना कोचिंग के ही जो है सफल हुई यूपीएससी में। तो एक अपना एक आयाम बनाइए, आधार बनाइए कि हमें सक्सेस होना ही होना है। ये निगेटिविटी आपके माइंड में कहीं से नहीं आनी चाहिए। ऑलवेज पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, देन यू हैव टू बी ऑफ द सक्सेस। और योगा जरूर करिए और अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिए। गोपाष्टमी की आप सभी विद्यार्थियों को कोटि कोटि अनंत शुभकामनाएं। और गौ माता को जो आज हमने किया है और गौ माता का आशीर्वाद दिया, 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं गौ माता में, आप सभी लोग को गोपाष्टमी की अनंत शुभकामनाएं। और आप लोग अपने भविष्य पथ पर, कर्तव्य पथ पर निश्चित सफलता प्राप्त करें। कौम चिड़िया हर कदम पे आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था एवं लोकतांत्रिक विचारधारा व्यवस्था, भारतीय संविधान एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो हम आई क्वालिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जीस्ट क्रक्स ऑफ एनसीईआरटी लेके चले, सो पूरा हम कंप्लीट करेंगे। यूपीएससी लेवल की तैयारी के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूरा फोकस हमारा यूपीएससी लेवल के पेपर पे है। एक एक प्रश्न, एक एक बूंदी नहीं छोड़ूंगा। और एमपी पीसीएस का पेपर भी है 17 दिसंबर को, ध्यान रखिएगा, भूल मत जाइएगा। 17 दिसंबर 2023 को ही इसी साल लॉक होगा एमपी पीसीएस प्री एग्जाम। 17 दिसंबर 2023 टारगेट कीजिए। जो भी विद्यार्थी लोकसभा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, खूब मन लगा के एमपी या जीके पढ़ जाइए। इसमें बेयर एक्ट आता है, क्योंकि कह रहा था एमपी पीसीएस ने कि नहीं आएगा, लेकिन बेयर एक्ट के प्रश्न से 4-5 डाले थे। आर्टिकल 338 एसटीएससी से संबंधित जो भी आपका एक्ट है उसको पढ़िएगा, 2-4 क्वेश्चन आते हैं। और एमपी के संवैधानिक एवं सांविधिक निकायों के बारे में भी पढ़िएगा। सिलेबस कुछ डिफाइन करते हैं, दे देते हैं पुराने सिलेबस से, तो एमपी के पेपर में दीजिए। हल्का पेपर होता है, 70 नंबर आप पा जाएंगे, आप मेंस लिखेंगे 100 में से। दूसरा पेपर सीसेट होता है, उसके लिए आप हिंदी पैसेज, इंग्लिश पैसेज, ग्रामर हिंदी इंग्लिश का, मैथमेटिक्स थोड़ा और पैराग्राफ, और उसके साथ थोड़ी सी रीजनिंग, लॉजिकल और वर्बल नॉन वर्बल पढ़ लीजिए। और कुछ एप्टीट्यूड जो अभिवृत्ति जो होता है, कौशल अभिवृत्ति, क्षमता, बौद्धिक कौशल, ये सब पढ़ लीजिए, आपका सीसेट भी निकल जाएगा। सीसेट में आपको सिर्फ 33% से लेके मैक्सिमम 40% तक अलग अलग स्टेट में है, देख लीजिएगा। यूपीएससी में तो 33% है, तो सीसेट क्वालिफाई होना पड़ेगा। तो इस तरीके से सीसेट हर प्रांतों में लग गया है। भारी मात्रा में सपोर्ट कीजिए, जितना आप सपोर्ट करेंगे उतने मन से मैं पढ़ाऊंगा और मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। और फ्री एजुकेशन प्रोग्राम है, सभी लोगों को बताइए इस चैनल के बारे में, सभी विद्यार्थियों को बताइए कि जो भी जानकार पढ़ने वाले हों, समझने के लिए लालायित हों, भारतीय संविधान और यूपीएससी से संबंधित जो तैयारी में लिप्त हैं, उनको बताइए मेरे चैनल के बारे में। और फ्री चैनल है, और भी विद्यार्थियों को बताइए, वो जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी कंटेंट यहाँ से ले सकते हैं, उसको ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में सुनेंगे तो थोड़ा सा ऑडियो विजुअल जो इंटरेक्शन होता है इसे जल्दी कीजिए समझ में आती है। आप किताब पढ़ेंगे जल्दी नहीं सुनना है, ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन जो मिक्सअप होता है हमारा, वो एचपी के थ्रू क्लास में पढ़ते हैं आपको समझ में आता है, वैसे किताब लेके बैठे तो नहीं समझ। तो ये है चलचित्रित जो प्रतिचित्रण है, फिल्म की तरह, वीडियो की तरह, ये जल्दी विद्यार्थियों को समझ में आता है। इसके बाद हम और भी स्पेशल कंटेंट चलाएंगे, अभी हम पूरा जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हैं, मैक्सिमम पूरा फोकस है, एक एक बिंदु पर पूरी गहन चर्चा में दे रहा हूँ। आज का लेक्चर समाप्त करते हैं, अगला लेक्चर लेकर बहुत ही जल्द मैं हाजिर हूँ। जय हिंद, जय भारत। कॉम चिड़िया को सब्सक्राइब करें, शेयर करते रहें।